सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी ने दिता अहम बयान, जेकर राजीव गांधी के कातलों छड्डिया जा सकता है तो फिर सिख बंदियों को क्यों नहीं। बिक्रम अजीठिया ने चुकिया बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा, बीबी जगीर कौर ते संत दादूवाल ते साधे निशाने। गुरदासपुर च काम कर रहे एक दिहाड़ी मजदूर की करंट लगन कारण हुई मौत। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट वालों राजीव गांधी कतल मामले में दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले से प्रतिक्रिया देंदिया सवाल उठाया है कि अजिहा सिख राजसी कैदियों से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकारों वालों सिखा लिए अपनाई जा रही वितकरे भरी नीति इस फैसले नाल एक बार फिर उभर के सामने आई है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने दफ्तर तो जारी बयान च आख्या कि देश दियां जेलां विच तीन तीन दहाकों तो बंद सिख राजसी कैदियों की रिहाई बारे कौम वालों लंबे अरसे तो आवाज उठाई जा रही है, पर सरकार कन्न बंद करी बैठिया ने। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया बटाला विखे एक निजी समागम विच पहुंचे, जिथे उन्होंने पंजाब की बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार से निशाना साधदिया कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री पंजाब नूं छड्ड के बाहरले सूबियां नूं ज्यादा तवज्जो दे रहे ने, जदों कि पंजाब दा गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री कोल है। पंजाब दी भाईचारक सांझ नूं ढा लाउण दी कोशिश की जा रही है, सरकार तां नहीं पर पंजाब दे लोक इस भाईचारक सांझ नूं बना के रखण विच कामयाब ने। उन्होंने बीबी जगीर कौर से निशाना साधदे कहा कि बीबी जगीर कौर जवाब देन कि 84 विच होए सिख कतलेआम दी हामी भरदे ने, क्योंकि यह गल एसजीपीसी प्रधान चोणां दौरान नशर हो चुकी है कि बीबी जगीर कौर दी 42 वोटां विच कांग्रेस ने भी खुल के वोटां पाईआं ने, ते भी गल लगदी है कि बीबी जगीर कौर की गंढ तुप श्रीमती सोनिया गांधी नाल भी होई होवेगी। भाजपा वाले भी यह दसन के खट्टर के कहन से बीबी जगीर कौर नूं वोटां पाईआं ने, नाल ही मजीठिया ने एक वीडियो दिखाते हुए दादूवाल से भी निशाना साधे। तो पिछलियां सरकारां दी गल करदे हो तो आप पिछलियां सरकारां च भाईवाल रहे है तो पुराने कांग्रेस ही ना उन्हां दी सरकार ही सी। ये मैं हैरान हो जाना जिहड़ा आप वाला उठदा जणा खणा को कहिंदा जी पुरानी सरकार, भाई पुरानी कोई भाजपा चो गया कोई कांग्रेस चो गया कोई अकाली दल चो गया तुसीं भी नाल ही सौ। इसलिए ये हर गल नूं पुरानी सरकार नूं कह के आप सुरखुरू हो जाना ये नहीं है। पुरानी सरकारां च नुकसी लोकां ने फतवा देता उन्हां नूं बदलता, थोनू 8 महीने हो गए, 8 महीने चे तुसी की कीता है? ना थोड़े तो अज पंजाब चे 3 लाख करोड़ का कर्जा खड़ा हो गया, तुसी आउंदे सार किन्ना कर्जा होर लै लिया, कर्जा लई जाने हो मगर इश्तिहार 2 करोड़ का डेली दिने हो, वह भी जाके दिने हो गुजरात हिमाचल अड्ड अड्ड थावां ते देश दे, उत्थे की फायदा? पंजाब दे खजाने नूं लटा रहे हो। फिर तुसी कहने हो असीं हैं आम आदमी मगर चढ़ना ही 2 करोड़ की गड्डी च। कांग्रेस सरकार वालों साल 1905 विच बनाया गया अमृतसर का रिंगो ब्रिज अपनी खस्ता हाल की दुहाई दिंदा दिखाई दे रहा, जिसके चलदे डिप्टी कमिश्नर अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन वालों SDM नूं इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। मेयर नगर निगम ते SDM वालों इस पुल से भारी वाहनों की एंट्री से प्रतिबंध लगाने की गल कही जा रही है। इस संबंधी जानकारी देंदे समाज सेवी वरुण सरीन ते शहरवासियों ने दस्सिया कि शहर की 80% वाहनों की आवाजाई लिए अमृतसर के रिंगो ब्रिज की वरतों होंगी है, पर प्रशासन इसकी खस्ता हालत तो अनजाण है, जिस नाल किसी समय भी कोई बड़ा हादसा वापरन का खदशा बनिया रहा। सीटों नाल संबंधित आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन वालों प्रोग्राम अफसर अमृतसर के दफ्तर के बाहर यूनियन के जिला प्रधान गुरमिंदर कौर की अगवाई हेठ धरना दिता गया।
इस संबंधी जसपाल कौर ने जानकारी दिंदे दस्सिया है कि CDPO वेरका दफ्तर का जीवन शर्मा नामी क्लर्क वालों आंगनवाड़ी भैणा नाल बसलूकी की जाती है। उन्होंने विरुद्ध अपमानजनक शब्दावली की अक्सर बेवाक शब्दों की वरतों करके उन्होंने निरादर किया जाता है, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही। गुरदासपुर के पिंड जीवन लाल बबरी विच काम करते एक मजदूर की हाई वोल्टेज तारा की लपेट में आने कारण मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी देते हुए पंजाब प्रधान मिशन मसीह ने दसी है कि मृतक रॉकी पुत्र मिंदर मसीह वासी पिंड औजला का रहने वाला है, जो कि पिछले 3 महीने तो पिंड जीवन लाल विखे किसी के घर मजदूरी का काम कर रहा है, जिथे सरिया लगाते समय एक नौजवान हाई वोल्टेज दारा के नाल सरिया लगन नाल काम कर रहे नौजवान भी तारा की लपेट में आ गया, जिस कारण उसनों करंट लग गया, जिस कारण उक्त नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने दस्सिया है कि मृतक की 6 महीने की एक बच्ची है, उन्होंने सरकार को मुआवजे की मांग की। यह घटना जी है रोकी मसीह सन ऑफ महिंदर मसीह पिंड औजला जिहड़ा कि पिंड जीण वाला बबरी दे विच काम कर रहा है, पैड़ के उत्ते पैड़ के उत्ते चढ़िया, तो पैड़ के उत्ते चढ़न के नाल नंगियां तारा सी उत्तों हाई वोल्टेज तारा उत्तों निकल रही सी, उहदी वजह दे नाल तारा ने जड़ा इन्हू उपर खिंच लिया, तो बंदे की जी मौजूदा स्थिति दे विच जी डैथ हो गई है। इस दे नाल ही समा हो चलिया एक ब्रेक दा, फिलहाल रुकदे हैं एक छोटे जिहे ब्रेक दे लई। ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू ते पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल के स्वर्गीय पिता ते साबका मंत्री खुशहाल बहल के 95 जन्म दिवस मौके गुरदासपुर विखे समर्पण दिवस मनाया गया, जिस विच वख-वख सियासी आगुआं ते समाज सेवियां ने हिस्सा लैंदे उन्हां नूं शरदा दे फुल भेंट कीते। इस मौके ते शहीदां दे परिवारां नूं भी सन्मानित किया गया। इस मौके ते अपने स्वर्गीय पिता नूं याद करदे होए पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने कहा कि उन्हां नूं अपने पिता दे कोलों विरासत विच उच्ची ते सुची राजनीतिकरण की गुड़ती मिली है, जिस कारण अज उह अपने हल्के ते पंजाब दे लोकां दी सेवा कर रहे हैं। बटाला के हलका फतेहगढ़ चूड़िया विखे एक स्कूल के समागम विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शमूलियत करनी सी कि उस जगह से खुशहाली दे राखे GOG गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस वालों समागम स्थान पर पहुँच के कालियां झंडियां हत्थां विच फड़ के पंजाब सरकार का जम के विरोध किया गया। उत्थे पुलिस प्रशासन ने वड्डी गिणती विच सुरक्षा इंतजाम कर विरोध नूं शांत करवाया। प्रदर्शनकारी GOG आगुआ ने कहा कि सरकार ने बिना नोटिस दिते GOG स्कीम खुशहाली दे राखे नूं बरखास्त कर दिता सी, जिस कारण समूह सैनिकों के स्वयं मान में कह के ठेस पहुंचाई गई है कि जिस मंतव लिए इन्हों नियुक्त किया गया से उस मंतव को पूरा करने विच पूरी तरह यह स्कीम सफल रही है, तो पिछले 4 सालों में इन्हों का कोई योगदान नहीं रहा। उन्हें कहा कि जब तक इस स्कीम को बहाल नहीं किया जाता उन्होंने वालों अपना संघर्ष जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान किसी नूं भी राज सरकार विच शांति भंग करन दी इजाजत नहीं देंगे। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया। कैबिनेट मंत्री अमृतसर के जिला प्रशासनिक भवन में पेंडू विकास पंचायत विभाग में 21 नौजवानों नियुक्ति पत्र दे रहे सन। उन्होंने नौजवानों को अपना काम पूरी ईमानदारी नाल करन दी गल कही, नाल ही उन्होंने नौजवानों को अपने काम नूं लै के पूरी लगन दिखाण दी भी गल कही। शराब का प्रबंध करके दिता बंदे कौन सीगे, इन्हां बंदियां तों जिहड़े पंजाब दे विच इदां दे काम करदे आ जिहड़े बाहरों बंदे आउंदे उन्हां नूं ख्याल रखना चाहीदा, रिश्तेदार भी है, पर जिन्होंने गलत काम किया सरकार NRI दुनिया की कोई ताकत पंजाब NRI का नुकसान नहीं कर सकती। पहली तो मेरी पंजाबी सुन, जेड़ा भी कोई NRI का नुकसान करूंगा उन्होंने प्रोग्राम की गड़बड़ करूंगा सारे भावे कि फनेखा हो हर एक निकाल रही कर।
श्री कीरतपुर साहिब विखे प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढन शाह जी के उर्स मेले से पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस चादर चढ़ाने मौके नतमस्तक होने लिए पहुंचे। इस मौके उन्होंने बाबा जी के उर्स मेले की समूह संगतों को बधाई दिंदे कहा कि उन्होंने वालों अपने इलाके के सूबे के लोगों की अमन शांति की अरदास की गई है। इस तो इलावा उन्होंने हिमाचल विधानसभा चोणों के संबंध में बोलदे कहा कि हिमाचल के लोग बहुत ही सूझवान ने तो हर बार बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी वालों पंजाब में करवाए गए कामों से पंजाब अंदर लोगों को दी जा रही सहूलतों को देख के पार्टी के हक में अपनी वोट का भुगतान करे तो आम आदमी पार्टी हिमाचल अंदर सरकार बने। बड़ा जी भागाना दिन है बाबा बुड्ढन शाह जी जिन्हां की अपार बख्शिश है साडे इलाके ते पंजाब ते इस धरती ते जो मेला उहदे विच हाजरी लवाई है साडे सारे साथियों समेत ते अरदास बेनती कीती है बाबा जी दे चरणां च कि उह सदा ही अपनी कृपा साडे ते इलाके ते पंजाब ते दुनिया ते बनाई रखन। श्री आनंदपुर साहिब दे झज्ज चौंक ते कार ते बस दरमियान हुई टक्कर दौरान दो लोगों की मौत हो गई है ते कई गंभीर जख्मी हुए ने। जख्मियों नूं हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। पुलिस वालों मृतकों दीआं लाशां नूं मोर्चरी विच रखवा दिता गया ते उन्हां दे परिवार नूं सूचित कर दिता गया। जिला ते सैशन जज वरिंदर कुमार अग्रवाल ते सीजेएम मिस एकता उपल की अगवाई विच फिरोजपुर विच नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए जिला सैशन जज ने दसिया कि लोक अदालत विच 22 बेंच लगाए गए ने जिस दौरान कई केसां दा मौके ते ही निपटारा किया गया। जिला मानसा के पिंड रायपुर के रजबाहे विच पाड़ पैण नाल फसलों तो इलावा गरीब घरां दा काफ़ी नुकसान होया। रजबाहे का पानी लोगों के घर अंदर भी दाखिल हो गया। स्थानक लोगों का कहना है कि यह सब नहरी महकमे की नाकामी का हिस्सा है जिस कारण रजबाहे विच पए पाड़ कारण गरीब लोगों का खासा नुकसान होया। पिंड वासियों वालों अपने पद्धर से ही सवेर तो मिट्टी पा के रजबाहे नूं पूरिया जा रहा पर नहरी महकमे का कोई भी अधिकारी मौका देखने लिए नहीं पहुंचा। पिछले दिन ही शिवसेना आगू का गोलियां मार के कतल करने वाले मुलजम संदीप सनी नूं अदालत वालों 7 दिनों के रिमांड से भेजा गया सी। अज उसका रिमांड खत्म होने जा रहा है जिसके मद्देनजर पुलिस उसनूं अदालत विच पेश करेगी। संदीप सनी नूं अदालत विच पेश करन मौके अमृतसर अदालत के बाहर सिख जथेबंदियां भी काफ़ी गिनती विच इकट्ठियां हो रही ने। पुलिस वालों संदीप सिंह सनी नूं अदालत च पेश करन दा 12 बजे का समा रखा गया सी पर उन्हें समा बदल करते हुए दोपहर 2 बजे रख दिता गया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।